एक्सक्यूज मी भैया, दो वेफर्स की पैकेट देना। ग्रीन लेस दो बोला। शिट, भगवान ने आंखें देखने के लिए दी हैं। अवनी, डू आई नो यू? रिमेम्बर हम लोग कल टकराए थे? ओह या, एक्चुअली आई वांटेड टू से सॉरी। आह, इट्स फाइन, इट वाज माय फॉल्ट टू। बैठो। थैंक यू। सो आपका नाम? ओह बाय द वे, आई एम आना। नाइस टू मीट यू। सो आज तो संडे था ना, क्या किया पूरे दिन? कुछ नहीं, मैं बस अभी लाइब्रेरी जा रही थी। लाइब्रेरी संडे को भी? क्यों, पढ़ाई तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। ग्रेट यार, यू नो व्हाट, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम लाइब्रेरी की शक्ल कब देखी थी। क्यों, तुम लाइब्रेरी नहीं जाते? नहीं, पढ़ाई नहीं करते? नहीं, मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, यू नो, घूमना फिरना, एडवेंचर मुझे बहुत पसंद है। अरे यार, ये मुझसे नहीं होगा। तुम्हें आता है बनाना? नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होता यार। मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, मुझसे बन ही नहीं रहा है। एक बार ट्राई करते हैं ना, रुको। Sure. अरे यार, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा मुझसे। Oh God, ये क्या कर रही हो? और भी लोग हैं सफाई करने के लिए। डाल दिया, कर ली सफाई, अब चले। Thank you.
मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? बस यार। काम से क्या? या तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? यार इनके ये भक्ति गीत सुबह सुबह यार सोने भी नहीं देते। बताओ सुबह सुबह कौन बजाता है? तो रात में सोए नहीं हो? कौन कैसे सो? कंचन जूस। थैंक्स। सो तुम इतनी सुबह सुबह एक्सरसाइज? हेल्थ कॉन्शियस यू नो। यू नो व्हाट, मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि मैं सुबह उठ के यू नो जॉगिंग जाऊं, यू नो वो क्या होता है वो सूर्य नमस्कार करूं एंड ऑल, बट पता नहीं क्यों मुझसे ये सब नहीं होता यार। मैं हूं ही नहीं ये सब। क्यों, प्रॉब्लम क्या है यार? पता है मॉर्निंग में उठ के सबसे बेस्ट टाइम होता है एंजॉय का। पता है ये सब करना चाहिए, सुबह सुबह माइंड फ्रेश होता है बाहर निकलने से और हेल्थ के लिए तो बेस्ट होता है। कम ऑन। तो फिर मुझसे नहीं होता, मैं सबके लिए बनी हुई हूँ। तुम हो ना करने के लिए, आई एम श्योर तुम्हारे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। हो गया? जाना ही पड़ेगा। तुम रोज जाती हो? ऑब्वियसली यार, क्लास जाने के लिए तो कॉलेज जाते हैं। ऑफ कोर्स, मैंने कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछा। तुम तो क्लास रोज ही जाती होगी। इसका तुमने पूछा तो इसका मतलब तुम नहीं जाते। क्यों? मुझे क्लास पास जाना खास पसंद नहीं है यार। बताया था ना मैंने कल, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। अगली बार से ना पक्का डस्टबिन में डाल दूंगी। पक्का प्रॉमिस। इतना सीरियस क्यों हो जाती है यार?
जिंदगी का पाठ तो आहना ने सीख लिया, पर हम कब आहना बनेंगे? ऐसा क्यों होता है कि हमारे आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मियों का ही होता है, हमारा नहीं? क्या यही रवैया हम अपने घरों में अपनाते हैं? अगर नहीं तो बाहर हम अपने आसपास क्यों गंदगी फैलाते हैं? ये सोचने की बात है। हमें अपने आप को बदलना होगा। हम बदलेंगे तो देश बदलेगा, हम स्वच्छ बनेंगे तो देश स्वच्छ बनेगा। आइए देश को स्वच्छ बनाएं।